में हमने थॉमस मिडलटन की जो ट्रेजेडीज थी उसको कंप्लीट किया. सो नेक्स्ट जो उसके जो प्लेज है रिमेनिंग जो कॉमेडीज है जिसकी सिर्फ आपको टाइटल और एक दो कैरेक्टर्स है जो मेन उनका नाम ध्यान में रखना है. सो हम करते हैं नेक्स्ट जो इसकी कॉमेडी है दैट इज रोरिंग गर्ल, द रोरिंग गर्ल. ओके सो रोरिंग गर्ल है ये कॉमेडी है और इट इज रिटन बाय थॉमस मिडलटन. तो इसको यहाँ डिटेल में नहीं करना कि इसकी समरी आपको या इसकी एनालिसिस है वो डेप्थ एनालिसिस करनी है. सिर्फ आपको इसका अपर लेवल का आउटलाइन जो मतलब स्टोरी किस पे बेस्ड है सिर्फ ये देखना है आपको. तो द रोरिंग गर्ल है ये एक कॉमेडी है. तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है मतलब रोरिंग गर्ल कौन है इसमें, तो मोल है ये एक रोरिंग गर्ल है. अब रोरिंग गर्ल क्या होती है, रोरिंग गर्ल इज ए गर्ल्स, ये गर्ल्स है जिसमें फेमिनाइन क्वालिटीज के साथ मस्कुलिन क्वालिटीज भी है. मतलब इसमें मस्कुलिन क्वालिटीज सी बिहेव लाइक ए मैन, उसकी आवाज है, उसकी जो फिजिकल जो उसकी क्वालिटीज है लाइक मतलब वो बिहेव करती है. तो इसमें बोथ क्वालिटीज है, ये सी इज ए फीमेल बट उसमें मस्कुलिन भी मतलब मेल वाली भी क्वालिटीज है. ठीक है सो मोल इज ए रोरिंग गर्ल है वो एंड उसने डिसाइड किया है मोल ने कि सी नेवर गेट मैरिड, कि वो कभी शादी नहीं करे. ठीक है तो इसमें स्टोरी क्या होती है मेनली, मोल है सी इज ए रोरिंग गर्ल. एक बार क्वेश्चन आया था कि हु इज द रोरिंग गर्ल, आपको ध्यान में रखना है. तो मोल है ये है रोरिंग गर्ल एंड सेबेस्टियन वेनग्रेव है सेबेस्टियन वेनग्रेव है सी इज ए नोबल मैन, ही इज ए नोबल मैन एंड मैरी फिट्ज़ेराल्ड विद होम ही वांट्स टू मैरी ही लव, मतलब सेबेस्टियन वेनग्रेव है वो मैरी फिट्ज़ेराल्ड से प्यार करता है एंड ही वांट्स टू गेट मैरिड विद हिम, बट इसका जो फादर है ही इज अगेंस्ट विद द मैरिज. व्हाई, बिकॉज ही वांट्स ए गर्ल्स हु ब्रिंग लॉट ऑफ डाउरी विद हर. तो सेबेस्टियन का फादर है वो अपने बेटे की ऐसी लड़की के साथ शादी करवाना चाहता है कि वो बहुत ज्यादा मतलब डाउरी है, जो दहेज है वो अपने साथ शादी में लेके आए. तो जो मैरी है मैरी फिट्ज़ेराल्ड इसके फादर ने शादी के लिए जो अमाउंट ऑफर की है सेबेस्टियन के फादर को, वो सेबेस्टियन का फादर है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो ये अमाउंट है मनी है जो वो काफी कम है. तो वो इस शादी को क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है. नो सेबेस्टियन है वो प्लान बनाता है यू नो टू लव विद ए गर्ल्स लाइक मोल, मतलब मोल से प्यार करने का वो नाटक करता है कि ही लव्स टू मोल. सो मोल है उसको सब जानते हैं कि ये इसमें दोनों क्वालिटीज है, ये मेल और फीमेल दोनों है. तो हिज फादर इज ऑल्सो नो, तो उसको सेबेस्टियन का फादर सोचता है कि इट इज इंसल्ट फॉर द सेबेस्टियन टू लव लाइक ए गर्ल्स मोल, मतलब मोल जैसी लड़की से प्यार करना एक इंसल्ट है. तो लास्ट में क्या करता है वो उससे मतलब प्यार का नाटक करता है, लास्ट में शादी करने के नाटक करता है, शादी तक पहुंच जाता है बट लास्ट में उसका फादर है मैरी फिट्ज़ेराल्ड का वो उसको हाफ अपनी लैंड दे देता है. तो सेबेस्टियन का फादर है वो एग्री होता है और लास्ट में क्या होता है कि सेबेस्टियन और मैरी फिट्ज़ेराल्ड है दोनों शादी कर लेते हैं. ठीक है तो यही इसकी स्टोरी है. आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही याद रखो कि जो द रोरिंग गर्ल है सी इज ए फीमेल मोल है वो, और इसमें जो स्टोरी है मेनली वो सेबेस्टियन वेनग्रेव और मैरी फिट्ज़ेराल्ड की है. ओके सो नेक्स्ट इसका जो प्ले है, जस्ट वन मिनट, नेक्स्ट इसका जो प्ले है थॉमस मिडलटन की टू मोर कॉमेडीज है, टू मोर कॉमेडीज है मैरी इसकी. तो ए गेम एट चेस, ए गेम एट चेस, तो ये प्ले है जो 1624 में पब्लिश हुआ था. ठीक है और ये एक प्ले है जो किस किन किन दो कंट्रीज के बीच में खेला गया था गेम एट चेस. तो ये इंग्लैंड एंड स्पेन, आपको ध्यान में रखना है. एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि गेम एट चेस इज प्लेड बिटवीन टू कंट्रीज, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंग्लैंड और स्पेन के बीच में खेला गया है. ठीक है तो यहाँ जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड इज द वाइट किंग है यहाँ. ओके वाइट किंग मतलब वो इंग्लैंड के किंग है एंड फिलिप फोर्थ
फिलिप फोर्थ ऑफ स्पेन इज द ब्लैक किंग. इसमें ब्लैक किंग है फिलिप फोर्थ ऑफ स्पेन. ओके, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है. यहाँ इसकी समरी बिल्कुल कभी नहीं पूछी जाती. कोई भी इसके इस जो प्ले है यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आया. इससे क्वेश्चन आता है सिर्फ गेम ऑफ चेस इज फोर बिटवीन टू कंट्रीज. तो यहाँ कंट्रीज के नाम पूछे गए हैं. मे बी दे कैन आस्क द किंग, मतलब किन किन किंग्स के बीच में फोर्ट हुआ था, प्लेड हुआ था. तो आपको याद रखना है जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड एंड फिलिप फोर्थ ऑफ स्पेन. ओके, नाउ लास्ट है. नाउ जो इसका लास्ट जो प्ले है कॉमेडी है जी. कोबियन एरा के. ओके,